कभी रिहायशी इलाकों में भेड़ियों का आना, कहीं गांवों में सियारों का घुस आना, तो कहीं सांपों का लोगों के घरों में घुसना। जानवरों की इंसानी दुनिया में ये घुसपैठ लगातार देखी जा रही है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है। इस बार एक अजगर ने इंसानों की दुनिया में एंट्री की है। ये मामला है महाराष्ट्र का, जहाँ चंद्रपुर शहर के पास लोहारा के एक होटल में अजगर घुस आया। अभी अजगर आ तो गया और आकर बैठा आलू के डिब्बे में। होटल में एक कार्टन में आलू रखे हुए थे, उसी के अंदर जाकर के एक अजगर आराम से बैठ गया। आलू के ऊपर ही अजगर मजे से बैठा ही था, तभी होटल का एक कर्मचारी उस कार्टन में से आलू निकालने आया। जैसे ही उसने कार्टन के अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर आलू के साथ एक बड़ा काला अजगर भी मौजूद था। अब जाहिर सी बात है, ऐसे किसी अजगर को देख कर कोई भी डर जाएगा। वैसे ही होटल का कर्मचारी भी उसे देख कर डर गया और वहां से भाग गया। बाहर जाकर उसने सब लोगों को ये बात बताई तो वहां पर सनसनी फैल गई। आलू के डिब्बे में 8 फीट लंबे अजगर की खबर होटल मालिक को दी गई। इसके बाद सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, उसने वहां आकर सांप को पकड़ा और पकड़कर उसे लोहारा के जंगल में छोड़ दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस घटना में अगर आप देखें तो ये 8 फीट लंबा अजगर शांति से आलू के ऊपर लेटा हुआ है और काफी ज्यादा शांत भी नजर आ रहा है। इस वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि सांप पकड़ने वाला शख्स एक कट्टे में डालकर उस सांप को जंगल में छोड़ रहा है। पानी के अंदर से होते हुए ये अजगर जंगल में चला जाता है। हालांकि सांप का नाम सुनते ही लोगों में दहशत आ जाती है, मगर यहाँ पर सूझबूझ से काम लिया गया और सांप को जंगल में छोड़ा गया। साथ ही गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी को किसी भी तरह का खतरा नहीं पहुंचा। जहां पर विकास के लिए इंसान जंगलों को साफ कर अपना रास्ता निकाल रहे हैं, वहीं जंगलों के जानवर अक्सर इंसानी इलाकों में पहुंचते दिख रहे हैं। हालांकि जंगल के आसपास के इलाकों में जंगली जानवरों का आने का खतरा अक्सर बना रहता है।